जी पहुंचे नवादा, जितने भी उनके समर्थक हैं सब लोग नारा लगा रहे हैं निशिकांत भैया जिंदाबाद के नाम से, और लोगों तार लगा उनका प्यार मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ निशिकांत कुशवाहा जिंदाबाद, निशिकांत क्या लग रहा है निशिकांत कुशवाहा कुछ अलग कर पाएंगे इस बार? जरूर से जरूर अलग कर पाएंगे, पूरे अलग कर पाएंगे। कोरी कुशवाहा महतो का नेता है, जो सम्राट चौधरी है, उपेंद्र कुशवाहा है, सभी लोग है, एक भी नहीं, सभी लोग है, सभी लोग है, सभी लोग है। लग रहा नौजवानों के लिए बात करेंगे, एकदम जरूर बात करेंगे हम लोग, एकदम एक बार मौका जरूर देंगे, देंगे एकदम तन मन से लगे हुए। देखिए लगातार कड़कती धूप में उनके जितने भी समर्थक है उनका सहयोगी है हमेशा तैनात है, और उनके कहना है कि हमेशा लगातार प्रयास रहा है हमारा। और क्या कुछ कहेंगे निशिकांत सिन्हा जी, आज नवादा पहुंचे हैं, लग रहा है कुछ अलग कर पाएंगे, पूरा अलग कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, पहले अलग कर दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि सब पार्टी तो बहुत सारे नेता बनाए हैं, लेकिन धरती पे जमीन पे विकास कौन करेंगे, निशिकांत सिन्हा करेंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम करेंगे, ना वो सब कुछ ना करेंगे। अरे पहले कहले हैं, 5 साल से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, जब भी हम लोग का एग्जाम होता है तो वहाँ पर 3 लड़का ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, तो उस सब के जहाँ मन होता है पढ़ने के लिए, जैसे कि कोनो विभाग में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, उस सबको सब कोई फ्री यानी पढ़ाई करते हैं। आप कहाँ से चल के आए? हम आए हैं नवादा से चल के, नवादा से। लग रहा है नवादा की धरती पे आज स्टार्ट किए हैं जन आशीर्वाद यात्रा के तहत संवाद यात्रा, लग रहा है कि निशिकांत सिन्हा जी कुछ अलग कर पाएंगे और सब नेता से हटकर ये अपने 2025 में कुछ कर पाएंगे, प्रतिनिधि उतार पाएंगे। जी उतार पाएंगे। देखिए कोई भी से नेता होता है तो बोलता है कि हम जीतेंगे तो वो काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये ऑलरेडी पहले से काम कर चुके हैं। और लग रहा है कि जिस तरह से आप पहले बोले कि ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं और आने वाला समय में ये बेहतर कर और बेहतर शिक्षा के लिए नवादा ने पूरा बिहार में जाना जाएंगे। जी जाना जाएंगे, पूरा अच्छी तरह से जाना जाएंगे, क्योंकि उनके पास जुनून है शिक्षा के बारे में, बहुत अच्छे से सोचते हैं सब लोगों को। अब कम से कम तो 500 से 600 लड़का इनके इतिहाद फ्री पढ़ रहा है, कोई कोटा में, कोई दिल्ली में, तो कोई बन रहा है, तो कोई IPS बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। लोग अभी नारा लगा रहे थे बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो और इनका नाम ले रहे थे, लग रहा है कि ये दावेदारी होंगे इस बार? हाँ लग रहा है, हमको तो पूरा लग रहा है। जन सुराज बोल रहा है हमारे पार्टी बनेंगे, राजद बोल रहा है हम बनेंगे, वो सब सब बोलता है वो हम बनेंगे, लेकिन तो पता चलेगा, वक्त आएगा तभी ना। बिहार के नौजवान किन के साथ? निशिकांत भैया के साथ है, निशिकांत सिन्हा जी के साथ। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए जितने भी उनके समर्थक है क्या कुछ कहेंगे सर, आज नवादा की धरती पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, सब लोग आ रहे जा रहे हैं, और जितने भी उनके समर्थक हैं लगातार उन्होंने अपने अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लगातार उन्होंने बोल रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि बिहार को बदलना होगा तो नौजुवक को आगे होना होगा, नौजवान को आगे आना होगा, और हम लोग लगातार उनके लिए खड़े रहेंगे, और बिहार के जितने भी नौजवान हैं हम लोग उनके साथ। देखिए निशिकांत सिन्हा जी के नाम से क्या लग रहा है, निशिकांत सिन्हा जी कुछ अलग कर पाएंगे? बिल्कुल, दूसरे जगदेव नवादा में उत्पन्न हो चुके हैं और पूरा बिहार में जंग छिड़ चुका है। हाँ यह दूसरे जगदेव के रूप में आए और लाखों लाख की संख्या में 10 पटर पर भरा हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखिए इन लोगों का कहना है कि दूसरा जगदेव यहाँ नवादा में पहुँच चुके हैं, और ये नवादा नहीं पूरा बिहार में अलग इतिहास रह चुके हैं। बाकी आपका क्या रहा है इसे पूरा कमेंट जरूर बताइए, जितने के समर्थक है देख लीजिए, जो बैनर पोस्टर लेके जा रहे हैं निशिकांत सिन्हा जी का लेकर, और लगातार उनके समर्थक है जो देख लीजिए किस तरह से हाथ हिलाकर जितने भी अपने समर्थकों हैं सभी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, और सभी के लिए कह रहे हैं कि हम लोग बिहार में कुछ अलग करेंगे, और लगातार हमने प्रयास किया है बिहार में अलग करने के लिए, और लगातार हमने बिहार में अलग करने का प्रयास किया है। सर एक बार और देख लीजिए निशिकांत सिन्हा जी लगातार प्रयास में उनका जारी रहा कि हम लोग कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, और फिर बिहार को बदलने के लिए हम लोग नवादा से आज जनसंवाद यात्रा का संबोधित करेंगे, आज आदर्श वाटर पार्क नवादा से चलकर, और इन्होंने लगातार भैया एक बार ऐसे देख लीजिए हाथ हिलाकर पूरे अपने जनता जनार्दन को संबोधित कर रहे हैं, और लगातार इनका प्रयास रहेगा। बाकी आपका क्या राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं KDL News, हमें सूरज कुमार, जय हिंद।